देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन राज्यों में से एक राज्य तेलंगाना है, जहां 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। और इस बीच प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो मतदाताओं से जुड़ी हुई है। मतदान से पहले जो खबर सामने आई है, वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल तेलंगाना के गठन के बाद यह पहली बार है जब महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया है। राज्य में इसको लेकर इतिहास बना है। तेलंगाना में चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने का काम किया जा चुका है। और इस वोटर लिस्ट के सामने आने के बाद मतदाताओं के संबंध में जो जानकारी आई है, वो सबको चौंका दिया है। लिस्ट को देखने से पता चलता है कि लिंग अनुपात 1000.2 हो चुका है। बताया कि साल जनवरी में लिंग अनुपात 992 था, पिछले महीने यह बढ़कर 998 हो गया था, जो अब यह 1000.2 हो चुका है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जानकारी दी कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, वोट ट्रांसफर, नाम जुड़वाने और काटने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 31 अक्टूबर तक जो विवरण मिले, उनमें सुधार के बाद अंतिम सूची तैयार की गई है। निर्वाचन अधिकारी की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार जहां मतदाता सूची में 35,73,000 से अधिक लोगों के नाम जोड़े गए हैं, वहीं 9,00,000 के करीब लोगों के नाम हटाने का काम किया गया है। करीब 16,00,000 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना मतदान का पता बदलवाने का आवेदन दिया था। वहीं CEO ने साफ कहा कि अंतिम सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए कोई भी आवेदन यदि अब आएगा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।